आज के कालचक्र के अंदर सबसे अधिक नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अकेले में निकल पड़ता है, और उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। ये वो बजरंग जी पालीवाल हैं जो राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिला मंत्री के रूप में 6 महीने पूर्व संकल्पना हुई और 6 महीनों की लगातार मारवाड़ी का। मैं चाहता हूं तुलसाराम जी महाराज के परम सानिध्य में आप जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इस पुरुष का अभिनंदन स्वागत करें जिनकी ये संकल्पना साकार रूप में परिणित हुई है। मंच पर विराजमान 1008 ब्रह्मदान गादीपति तुलसाराम जी बाप जी के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान सभी संत महात्मा के चरणों में नमन। समय की कमी के कारण मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव मोहन प्रकाश जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरदार सर विधायक भवनलाल जी और मंचासीन अतिथिगण यहाँ पधारे हुए, मेरे पिता समान बुजुर्गों, युवा साथियों और मेरी धर्म पत्नी को छोड़कर माताओं और बहनों, आज ये सम्मेलन जो आप देख रहे हैं इसकी आवश्यकता क्यों हुई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसके लिए मैं एक बात आपसे बहुत ही सरल शब्दों में बताने जा रहा हूं, और वो जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो आपने और हमने सबने किताबों में पढ़ी है। एक किसान था, उसके 4 लड़के थे और उस किसान ने मरते समय उन लड़कों को आदेश दिया कि इन लकड़ियों को काट दो। 1 मिनट के अंदर उन लड़कों ने उन लकड़ियों को काट दिया और उसके बाद उस किसान ने उन लड़कों को कहा कि इन लकड़ियों का गठन बनाओ, यानी भारा बनाओ मारवाड़ी में, और भारा बना के इसको काटो। वो उसको काट नहीं सके, वो उसको मरोड़ नहीं सके, वो उसमें विफल रहे। वही भारा आज ब्राह्मण समाज है, वो लकड़ी पालीवाल समाज है, वो लकड़ी राजपुरोहित समाज है, लो लकड़ी गौड़ समाज है, लो लकड़ी श्रीमाली समाज है, और वो गठर ब्राह्मण समाज है। आज इसकी आवश्यकता इसलिए हुई, समय के काल का शिकार हुए हम सब। जब वर्ण व्यवस्था लागू हुई थी, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय और वैश्य। उस समय ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाता था, लेकिन राजनीति और समय के शिकार हुए, कोई राजपुरोहित बना, कोई पालीवाल बना, कोई श्रीमाली, कोई गौड़ गुजर गौड़ बन के हम आपस में बंट गए और उसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। इसलिए आज जब हमारे दिमाग में विचार आया कि क्यों नहीं एक ब्राह्मणों को, सभी जो जनेऊ और शिखा धारण करने वाले ब्राह्मण हैं, उनको एक मंच पर लाकर खड़ा किया जाए, जब हमारे मन में विचार आया, मैं गोविंद सिंह जी, भवानी शंकर जी, गोपाराम जी और हम बाप जी तुलसाराम जी के चरणों में गए ब्रह्मधाम आसोत्रा, उनसे विनती की, उनसे निवेदन किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद इस कारवा को हमने आगे बढ़ाया, और आज जो ये कारवा आगे बढ़ा है, हजारों हजारों की संख्या में आज ब्राह्मण एक मंच पे आ चुका है। आज ब्राह्मण समाज को अगर कोई देखता है तो आज एक ब्राह्मण समाज कहलाता है, न कि अलग अलग घटकों में। समय की मार हुई, पाली के अंदर सभी 1.25 लाख पालीवाल परिवार रहते थे, वहां से जब वो निकले तो वो पाली वाला कहलाने लगे, वो वास्तव में श्री आदि गौड़ ब्राह्मण थे। आज जो आदि गौड़ ब्राह्मण कहलाते हैं वो वहीं से निकले हैं। आज जो राजपुरोहित समाज के अंदर जो छिड़क जाती है, जिससे मैं जो मेरी गर्भ गोत्रों में छिड़क उप जाती है आती है, वो पालीवालों से निकले हुए राजपुरोहित है। अगर हम मूल रूप से देखें तो एक ही तना है, बाकी सब उसकी शाखा है, लेकिन हमारे समय के कारण हम अलग अलग हो गए, हम अलग अलग हो गए और इस समय के शिकार हो गए। वर्ण व्यवस्था में जो थी उसको हमें वापस करना पड़ेगा, और अगर इस काल में स्वर्णों के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो ब्राह्मणों को हुआ है, वह बात भी मैं आज बता देना चाहता हूँ। आज यहाँ
जो भवानी शंकर जी ने कहा कि शिवानाव पचपदरा के अंदर बहुतायत में ब्राह्मण है, 35,000 से ऊपर वोट है, लेकिन पचपदरा में आज दिन तक किसी पार्टी ने यहाँ पर ब्राह्मण को उम्मीदवार नहीं बनाया। क्यों? वो ये कहते हैं, पहली बात तो वो कहते हैं कि ब्राह्मण यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि अलग अलग भागों में बंटे हुए हैं। लेकिन आज जो हुजूम आपका दिख रहा है, इस बात को साबित कर दिया है, उन नेताओं के मुंह पर तमाचा है, वो पार्टी आकर देख ले कि यहाँ इस क्षेत्र में ब्राह्मणों के कितने वोट हैं। दूसरी बात वो कहते हैं वोट है लेकिन ब्राह्मणों में एकता नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हम इस बात को साबित करें कि ब्राह्मण एक है। आप हाथ खड़े करके कहिए हम सब ब्राह्मण है, चाहे अगर कोई है चाहे सब साथ में रहेंगे। इस बात को हमें आज साबित करने की आवश्यकता है। आज हमारे संत महाप दूर दराज से आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपने हमें आशीर्वाद दिया। और यहाँ जो युवा शक्ति आई है उनके लिए दो शब्द कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। युवाओं आप इस बात से सबक ले और आज से ये संकल्प ले, ब्राह्मण ब्राह्मण है, पाल को न कोई पाली वाला है न कोई राज पुरोहित है न कोई श्री माली है। जय भारत, जय इंद्र, जय परशुराम जी, जय ब्रह्मा जी, जय खेताराम जी, जय कुंसाराम जी वासी।